मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में निम्बियाबाई मादा चीता आशा के 3 शावों के जन्म पर हर्ष व्यक्त करते हुए चीता परियोजना से जुड़े लोग, वन्य जीव प्रेमियों और नागरिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एक समय था जब एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था। आज 3 नन्हे मुन्ने चीता शावकों ने जन्म लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कूनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना की सफलता इन 3 शावकों के जन्म से स्थापित होती है। इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने परिस्थितिक संतुलन के उद्देश्य से की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह परिकल्पना साकार होते हुए देखना रोमांचकारी है। चीता परियोजना में सभी स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने परिश्रम से कार्य किया। 3 शावकों का जन्म इस परियोजना की सार्थकता को बढ़ाएगा। सरकार ने चीता प्रोजेक्ट जो चालू किया था, आज का दिन मैं आपके सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो चीता प्रोजेक्ट जो हमारा श्योपुर और कूनो में चालू हुआ था, 3 नए नन्हे मुन्ने शावक आज जन्म हुआ है। और ये हमारी एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। जब हमारे पूरी एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था, अब नया अंकुरण फूटा है और एक तरह से परिस्थिति तंत्र का भी ये अद्भुत एक संतुलन बना है। मैं अपने सभी मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारी, कर्मचारियों को, सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने स्वप्न देखा था कि हमारी धरती पर चीता पुनः स्थापित हो और वो नए प्रकार से, अब हमने उनको जिस रूप में चीता के लिए एक अभयारण्य बनाया था और उसकी कल्पना को सार्थक होते देख के मैं भी रोमांचित हूँ और अत्यंत आनंद से हूँ। आप सबको आपके माध्यम से भविष्य में हमारी ये परियोजना और आगे बढ़ती जाए, ये कामना के साथ बधाई देना चाहूँगा।